वायरिंग, क्या है घरेलू वायरिंग। तो अपन ने शुरुआत में क्या किया है, अपन ने यहाँ से सप्लाई दी है, सप्लाई किसको दी है, ओनली फॉर एमसीबी को दी है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनीचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ से ये डबल पोल वाले एमसीबी है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। इनको यहाँ से इनपुट दिया और अपन ने आउटपुट ले लिया, यहाँ से आउटपुट दो पिन मिल गए न्यूट्रल और फेज। इसके बाद में अपन ने ये क्या है चार बोर्ड बनाए, एक बोर्ड एरा, दूसरा बोर्ड एरा, तीसरा एरा, चौथा बोर्ड एरा, और इनके द्वारा यानी कि अपन ने क्या किया है किसी केपिंग में वायरिंग कर रखी है ना। ये डिब्बी ये रही, दूसरी डिब्बी ये रही, तीसरी हो रही, चौथी ये रही, पांचवी, छठी, सात और आठ एरा अपने लैंप लगा रखे हैं। तो अपन ने यहाँ से क्या कर रखा है किसी केपिंग के अंदर, अपन ने पहले क्या बनाया कच्चा आरेख बनाया, उस कच्चा आरेख या डायग्राम के अनुसार अपन ने क्या बनाया सर्किट बनाए। सर्किट के अंदर अपन ने सप्लाई दी तो अपन ने पहले अंकित कर लिया कि यहाँ पर को यहाँ पॉइंट देना है, जो भी अपन को फैन का देना है या लैंप का देना है या यूट्यूब का ट्यूब का देना है, किसी का जो भी देना है वो अपन को यहाँ पे कच्चे डायग्राम पे अंकित करना है। जैसे अपन ने लैंप लैंप दिए, ये सारे अपन ने क्या कर रखे हैं लैंप दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे इसके बोर्ड के, ये अपन ने क्या कराया एक तरह से कनेक्शन किए, क्या किए अपन ने कनेक्शन किए, तो यानी कि ये जो कुंजी है उन कुंजी को तीनों को अपन ने निचले वाले पिन को क्या कर रखा है यानी फेस से जोड़ रखा है, सभी को फेस से जोड़ रखा है। और यानी कि न्यूट्रल दे दिया है इसको डायरेक्ट, इसको थ्री पिन सर्किट को, यहाँ से न्यूट्रल निकाल के अपन इस लैंप पे लेंगे आरे के अनुसार, इस लैंप से न्यूट्रल निकाल के इस लैंप पे लेंगे, इस पे से न्यूट्रल निकाल के इस पे लेंगे, और यहाँ से बीच में से कनेक्ट करके इसको न्यूट्रल दे दिया, वहाँ से न्यूट्रल वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से न्यूट्रल यहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, और इन तीनों चारों में अपन ने क्या ले लिया न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने यानी कि इसके अंदर इस प्लेट के अंदर ये जो वुडन बोर्ड है उस वुडन बोर्ड पे यानी कि ये प्लेट सीट लगी हुई, सीट के अपन ने एक पे क्या दिया है 0.3 पिन सॉकेट का दिया है, और इस पे दो कुंजी है और एक क्या है इंडिकेटर है। जैसे अपन सप्लाई का इसका मतलब तो क्या होता है, जैसे अपन सप्लाई देंगे तो सप्लाई की उपस्थिति दिखाने के लिए इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ये दो कुंजी लग रही है, एक कुंजी को तो अपन ने 3 पिन सॉकेट से क्या कर रखा है कंट्रोल कर रखा है, दूसरी के लिए इस लैंप को कंट्रोल कर रखा है। तो इसका जो एक तार बचा फेज वाला न्यूट्रल तो अपन ने कॉमन करके सभी को दे दी, और जो बचा अपना फेज इसके द्वारा एक तो नीचे लग रहा है दूसरा निकलेगा यहाँ से तो इसको दे रखा है, तो ये इसको क्या करेगा कंट्रोल कर देगा। इसके बाद में इसमें क्या है एक तो 3 पिन सॉकेट है, 3 कुंजी है, तो यानी एक कुंजी तो किससे 3 पिन सॉकेट से कंट्रोल है, और दो है एक तो इस लैंप से और एक उससे कंट्रोल है। इसके बाद में इसमें भी 3 तो कुंजी है, एक क्या है सॉकेट है, एक सॉकेट तो कुंजी से कंट्रोल है और दो लैंप इनसे कंट्रोल है। इसी प्रकार यहाँ से क्या है दो कुंजी एक सॉकेट है, सॉकेट को अपने डायरेक्ट कर रखा है, दो कुंजियों के द्वारा दो लैंपों को कंट्रोल कर रखा है। जैसे अपन ने किया सप्लाई दी और टेस्ट किया तो हमें पता लगा कि हमने एनसीबी को ऑन किया और ऑन सप्लाई, अब इस प्रकार अपना क्या बड़ा परिपत्र पूरा तैयार हो गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे स्लिप टेस्ट बोर्ड लेंगे, स्लिप टेस्ट बोर्ड के द्वारा अपन क्या करेंगे इस परिपत्र को टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें कोई फॉल्ट या दोष तो नहीं है। तो अपन ने क्या किया ये अपना क्या है सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड में अपन ने क्या दी पहले बोर्ड से मैन से क्या दी सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में अपन ने क्या किया एमसीबी को क्या किया ऑन किया, एमसीबी को ऑन किया तो अपने इंडिकेटर जल गया, ठीक है। जैसे अपने इंडिकेटर जला तो अपन यानी कि एक लैंप जला के देखे तो ये क्या हो गया ये जो सीरीज का जो लैंप था वो जल गया और एक ये चल गया, ठीक है। तो ये तो अपना क्या है कि यहाँ से ये दोनों क्या है बोर्ड तो अपना ठीक है। इसके बाद में अपने दूसरे बोर्ड पे आते हैं, दूसरे पे देखते हैं तो यानी अपन जड़ा के देखते हैं तो यानी कि जलने के बाद में क्योंकि यहाँ पे 100 वाट का है यहाँ पे 200 वाट का है इसलिए अपने 100 वाट का जल जाएगा 200 वाट का नहीं जलेगा सीरीज कहती है भाई, ठीक है। इसके बाद में वो भी सीरीज में है लेकिन वो क्या है कि यानी कि इनका प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये कम जलेंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं तो नेक्स्ट में जला के देखते हैं तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए ये जल गए, ये तो क्या हो गया यानी कि 100 वाट का हो गया, ये क्या इसका हो गया 60 वाट का हो गया इसलिए रोशनी अधिक दे रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे भी वही जो हुआ वो जल गया और ये भी जल गया। तो अपने जो वायरिंग की है वो वायरिंग का जो डायग्राम है कनेक्शन है वो बिल्कुल पूर्णतया सही है। इसके बाद में अपन इसको पैनल में देखना सही है या गलत है, हाँ उसमें लगा पैनल में लगा के देखो कनेक्ट करो भाई हाँ पैनल लगाया अपने एमसीबी को चालू किया अपन ने सर्वप्रथम एमसीबी देख रही तो अपने इंडिकेटर में यानी बोर्ड में लाइट आ गई। इसके बाद में अपने कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन किया तो अपना एक लैंप लग गया क्योंकि अपने एक कुंजी के द्वारा एक ही लैंप को कंट्रोल कर रखा है। अपन ये भी टेस्ट करके देख लिया कि 3 पिन सॉकेट चालू है या बंद है तो अपन इसको टेस्ट किया तो इसको 3 पिन कितने पॉइंट
तो अपन ने थ्री यानी जो पिन थी वो भी क्या हो गया, सॉकेट भी चालू है। इसके बाद में इस बोर्ड को बंद किया, अपन ने दूसरे बोर्ड को देखते हैं। दूसरे बोर्ड को देखा तो अपन ने कुंजी लगाई, बल्ब जल गया, दूसरे बल्ब लगाया तो ये भी जल गई। तीसरी कुंजी को देखते हैं कि अपना थ्री पिन सॉकेट सही है गलत है। तो अपन ने इसको जलाया तो ये भी क्या हो गया, जल गया। ये भी अपने क्या है, इसी प्रकार अपन ने तीसरे बोर्ड पर आते हैं, तीसरे बोर्ड को देखते हैं तो ये तीसरे बोर्ड के भी दो लैंप हैं, दो कुंजियों के द्वारा वो भी क्या है, चालू है। और इसके बाद अपन इसको देखा तो ये भी क्या है, चालू। इसी प्रकार अपना पूरा परिपथ तैयार है। ये अपनी घरेलू जो वायरिंग होती है उसका प्रैक्टिकल है। ओके, धन्यवाद।